में कलों की संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम अपने धान की फसल में अपना करके कलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों की ये समस्या रहती है और उपाय आप अपने धान की फसल में कलों की संख्या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दोस्तों इसी पे जानकारी मिलने वाली है। धान की रोपाई करने के बाद किसान भाई कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए धान के खेत में हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो आप धान के खेत की जब तैयारी कर रहे हो तब आपको करने से धान में रोपाई करने के बाद कल्लों की संख्या निकलना चालू हो जाती है, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। धान में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो चार ऐसे बेस्ट तरीके हैं जिनको आप अपने खेत में अपना सकते हैं। एक तो अगर आप सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है कि जब आप खेत की तैयारी करते हो, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर कंपोस्ट खाद यानी गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आप पहले से डाल देते हो, क्योंकि इसमें वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपके खेत में मौजूद हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, कार्बन आदि की मात्रा पूरी हो जाती है, जिससे मिट्टी टाइट नहीं होती, आपके खेत की मिट्टी मुलायम होती है और जो ऑक्सीजन जड़ों को मिलनी चाहिए, जो जड़ों का विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जड़ अच्छी तरह से विकसित होती है और पौधे तक भोजन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करना चालू कर देती है। तो आप कंपोस्ट खाद अगर आप पहले डाल लेते हो तो आप देखेंगे कि रोपाई करने के 8 से 10 दिन के बाद ही कलों की संख्या निकलना चालू हो जाती है और जड़ों का तेज़ी से विकास होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके को अगर आप पहले से कर लेते हो तो बाद में कोई तरीका आपको अतिरिक्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मानक होते हैं कलों के फुटाव जड़ों के विकास के लिए वो मानक आपको कंपोस्ट खाद डालने से ही पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उर्वरकें नहीं डालोगे, उर्वरकें तो आपको डालनी ही पड़ेगी, लेकिन मिट्टी मुलायम रहेगी तो जो प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की, पौधे तक भोजन पहुँचाने की प्रोसेस होती है वो आसानी से होती रहेगी। लेकिन अगर ये उपाय आपने पहले से नहीं किया है तब दोस्तों अब क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए दूसरा उपाय है, ये उपाय है कि अगर आप ग्रोथ प्रमोटर देना चाहते हैं तो ग्रोथ प्रमोटर देकर के भी धान में कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। धान में ग्रोथ प्रमोटर सबसे बेटर रहेगा कि आप दानेदार ग्रोथ प्रमोटर लो, उसके बाद सेकंड उपाय में आप लिक्विड या जेल वाला ग्रोथ प्रमोटर भी ले सकते हो। दानेदार ग्रोथ प्रमोटर में क्या होता है कि जब आप रोपाई धान की करते हो उस टाइम पर जो आप उर्वरकें डालते हो उन उर्वरकों के साथ में आप दानेदार ग्रोथ प्रमोटर मिला करके आसानी से डाल सकते हो, तो अलग से आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब लेबर आदि का खर्चा आपका बच जाता है और एक ही साथ आपका जो ग्रोथ प्रमोटर है वो उर्वरकों के साथ खेत में पहुंच जाता है, जिससे जब जड़ों का फुटाव होता है तो ग्रोथ प्रमोटर आपने दिया है जो उसके साथ तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो पौधे को मिलना चालू हो जाते हैं, जिससे जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व हैं उनको जड़ आसानी से लेकर के पौधे तक पहुँचाना चालू कर देती है और जड़ भी अच्छी तरह से विकसित होना चालू हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप रोपाई करने के 10 से 15 दिन पर या रोपाई करने के तुरंत या बाद में आप डाल सकते हो, जो कि पहली बार 10 से 15 दिन या रोपाई के टाइम, उसके बाद दूसरी बार 30 दिन के अंतर पर यानी 40 दिन के पहले पहले आपको दो बार ग्रोथ प्रमोटर डाल देना चाहिए। अगर आप रोपाई के टाइम नहीं डाला है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे करने में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है किसान भाइयों जो कि आप शुरुआत में डाल देते हो। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, कलों का फुटाव आदि होगा लेकिन शुरुआत का कुछ अलग ही रिजल्ट रहता है। तो आप स्प्रे करके भी पूरा कर सकते हो, जो कि रोपाई से 10 से 15 दिन पर पहली बार और दूसरी बार 30 से 40 दिन के बीच में आप ग्रोथ प्रमोटर को दे करके कलों की संख्या जड़ों का फुटाव आसानी से बढ़ा सकते हैं। तीसरे उपाय में क्या है किसान भाइयों, जो पोषक तत्व होते हैं सामान्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं उसकी मिट्टी में कमी हो जाती है, और अगर उसकी मिट्टी में कमी हो जाती है तो जो अन्य उर्वरकें हम मुख्य उर्वरकें जो देते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, उनको देने के बावजूद भी कलों का फुटाव नहीं होता है और हम उर्वरक की मात्रा बढ़ा बढ़ा कर डालते रहते हैं लेकिन देखते हैं कि कलों का फुटाव नहीं होता है, पौधा वैसे ही कमज़ोर और ग्रोथ और विकास
ठप पड़ा रहता है, जिसके पीछे कारण रहता है कि जो हम मिट्टी में उर्वरक तो दे दिया लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो अन्य पोषक तत्व हैं, उनकी कमी रहती है। और वो पोषक तत्व नहीं होने के कारण जो प्रोसेस रहती है, जो जड़ों का फुटा होता है, जड़ों का विकास होता है, और मिट्टी में जो मौजूद उर्वरक है वो आसानी से पौधा नहीं ले पाता है, और जो पोषक तत्व की कमी होती है उसका भी लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाता है, जिससे पौधा ग्रोथ ना करके कमज़ोर होता चला जाता है और बाद में उसका नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो पोषक तत्वों को हमें पूरा कर देना ज़रूरी है। अगर आप पोषक तत्वों को पूरा कर देते हो तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी और कल्लों का फुटाव आसानी से जारी रहेगा। अब जो पोषक तत्व तो आप पूरे करते हो उसके साथ साथ जो ग्रोथ पाउडर है उसको भी डाल सकते हो, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनको भी पूरा करना रहता है। और बहुत से किसान भाई केवल कुछ ही पोषक तत्व तो देते हैं लेकिन जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको नहीं डालते हैं, तो उसको भी आप डाल सकते हो। मिट्टी में भी डाला जा सकता है और स्प्रे करके भी दिया जा सकता है। तो ये काम करके भी कल्लों की संख्या को बढ़ाई जा सकती है, यानी जड़ों का विकास और कल्लों का फुटाव आसानी से होने लगेगा। चौथा दोस्तों जो उपाय है बहुत पुराना है, जिस टाइम पर शायद ये रासायनिक उर्वरकें भी नहीं चलती थी उस टाइम का ये उपाय है, और किसान भाई इस उपाय को करके कल्लों की संख्या को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फुटाव कर लेते थे। केवल कंपोस्ट खाद के माध्यम से ही खेती करते थे, यानी पूरी ऑर्गेनिक खेती होती थी और तब इस उपाय को किसान भाई करते थे। लेकिन उस टाइम का उपाय और आज के टाइम के उपाय में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर जो उपाय किया जाता था तो सीधे DSR विधि से, यानी सीधे धान की बुआई कर दी जाती थी, धान की रोपाई आदि नहीं की जाती थी, और बाद में इस उपाय को किया जाता था जिससे खरपतवार भी दूर हो जाते थे, जो पत्ती लपेटक कीट होता है वो भी ख़त्म हो जाता था, और कल्लों का फुटाव भी और जड़ों का फुटाव भी काफ़ी आसानी से होता था। लेकिन आज के समय में इस उपाय को किसान भाई करना ही बंद कर दिया है। अब आप देखते हो जब आप रासायनिक खादें डालते हो तो रासायनिक खादें डालने के बाद जब रोपाई आदि होती है तो 10 से 15 दिन के बाद खेत टाइट हो जाते हैं, यानी खेत की मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है। जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो जड़ का जो फुटाव होता है, नई जड़ का विकास इतने अच्छे तरीके से नहीं होता है, जड़ का फुटाव अच्छे से नहीं होता है, जड़ जब अच्छी तरह से विकसित नहीं होती तो मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं वो पौधे तक नहीं मिल पाते हैं, और जड़ के अच्छे फुटाव के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे जड़ का फुटाव भी हो और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे तक पहुँचे भी। और जब आसपास की मिट्टी पौधे के टाइट हो जाती तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और पौधा सही से विकास नहीं कर पाता है, जड़ें का फुटाव रुक जाता है जिससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और कल्लों का फुटाव भी बाधित होता है। तो इसलिए दोस्तों सामान्य रूप से जो पुराना तरीका है वो भी आप कर सकते हो, इस तरीके में आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप धान की सीधी बिजाई किया है तो आप बैलों के द्वारा खेत में पानी भर करके और पाटा लगा सकते हैं, यानी कहने का मतलब अगर आपने धान की सीधी बिजाई किया है तो सीधी बिजाई में सबसे बढ़िया तरीका है 4 से 6 इंच तक खेत में पानी भर दीजिए और फिर बैल से पाटा लगा दीजिए, यानी बैल पाटा लगा करके और बैल खेत में चला देंगे, तो इससे जो छोटे छोटे खरपतवार उग रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जब बैल के माध्यम से चला देंगे तो पौधे के आसपास की मिट्टी ढीली हो जाएगी और पौधे में जो है थोड़ा ठोकर लगेगी जिससे आसपास की मिट्टी ढीली हो जाएगी, जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से पौधे में जड़ में होना चालू हो जाएगी जिससे जड़ का फुटाव और आसपास की मिट्टी ढीली होने से जड़ का फुटाव अच्छी तरीके से होगा और मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व हैं पौधे तक आसानी से पहुंचना चालू हो जाएंगे। ये उपाय आप रोपाई अगर कर रहे हो तो थोड़ा आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, और अगर आप सीधी बिजाई किए हो तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। सीधी बिजाई करने के बाद अगर 10 से 15 दिन का 20 दिन का धान हो जाता है तो उस टाइम से लगा करके और 40 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 बार इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन अगर आप धान की नर्सरी की रोपाई करते हो तो नर्सरी रोपाई के 15 दिन पर पहली बार और फिर 25 से 40 दिन पर आप दूसरी बार उपाय कर सकते हो। अच्छा उपाय है, इस उपाय को करने से आपको कोई अतिरिक्त लागत की ज़रूरत नहीं होती और जो कल्लों का फुटाव है काफ़ी बेहतर देखा गया। अच्छी बात यह है कि मिट्टी जो टाइट होती है वो भी ढीली हो जाती है और जो धान की ग्रोथ और विकास होता है वो भी अच्छे से होना चालू हो जाता है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये होता है कि जो
पत्ती लपेटक कीट है वो भी आसानी से दूर हो जाता है, क्योंकि पानी भर के जब आप खेत में पाटा चलाते हो तो उससे पौधा डूब जाता है और पत्ती लपेटक कीट पानी में डूब करके मर जाता है। और कई तरीके के जो रोग बीमारियां होती हैं उनसे भी कीट आदि से बच जाता है धान। और एक फायदा और होता है कि मिट्टी में जो छोटे छोटे खरपतवार उगना चालू होते हैं वो भी पाटा लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। आसान उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। बहुत से किसान भाई इस उपाय को करने के बाद दूसरे धान के कलों की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय नहीं करते हैं, सामान्य रूप से जो उर्वरकें देते हैं उन्हीं को दे करके आसानी से कलों की संख्या को बढ़ा लेते हैं। आप इसमें से कौन सा उपाय दोस्तों करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें से पहले कोई आपने उपाय किया है और उससे बेनिफिट मिला है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।